Hello, assalamu alaikum friends. Today we are going to learn our lesson number 3, and today we cover the topic line with measurement. Aaj ke din hum topic ye cover karenge line with measurement, phir hum seekhenge jo hamara jis cursor mein yani jis cross hair lines jo unse lagi hoti hain aur pick box uska size bada chota kaise karenge aur apni screen jo unse hai उसे फिट कैसे करेंगे यानी ऑब्जेक्ट्स को अपनी स्क्रीन पे फिट कैसे करेंगे. तो हम लेट्स स्टार्ट करते हैं. देखें वही सिंपल वे. अब हमने क्या करना है, अब हमने ये लाइंस, मैंने जैसे कि आपको कहा है कि हम लाइंस लगाएंगे मेजरमेंट के साथ. तो मेजरमेंट के साथ लाइंस लगाने से पहले मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा कि जो मेजरमेंट है उसके सिंबल्स होते हैं. जैसे कि अगर आपने फीट में लाइन लगानी है फीट में, तो उसका जो सिंबल है वो सिंगल कोट है, यह एपोस्टोग्राफी है. ठीक है, एपोस्टोग्राफी है, कितना मुश्किल नाम है. ठीक है, सिंगल कोट है. जबकि आपने इंचेस में लाइन लगानी है तो डबल कोट्स लगते हैं. ठीक है, वो साथ लगाने ज़रूरी होते हैं. अब आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, जैसे देखिए लाइन कमांड मैंने लिया, ये मैंने लाइन्स लगानी है कुछ चंद. ठीक है, ये जो मैंने लाइन्स लगाई हैं, ये मैंने यहाँ पर आपके सामने लाइन्स जो लगाई हैं, ये लाइंस मैंने बगैर मेजरमेंट के लगाई हैं. तो इसमें कुछ गलती होगी, लेकिन आगे जब हम प्रोजेक्ट्स करेंगे मकान वगैरह या हाउस बिल्डिंग्स करेंगे, तो उसके अंदर हमें इस चीज़ की ज़रूरत होगी कि हम मेजरमेंट के हिसाब से लगाएं. ठीक है, तो मेजरमेंट करना ज़रूरी होगा, तो इसलिए हम फिर उस वक्त मेजर से लगाएंगे. तो इसलिए मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ. मैं उससे पहले आपको एक चीज़ सिखाना चाहता हूँ जो मैं भूल गया था पिछले लेक्चर्स में, मैंने रिव्यू की अपनी वीडियोज़ के, सिलेक्शन कैसे करते हैं ऑटोकैड में. अक्सर बच्चे जिनसे हमें आदत होती है सिलेक्शन करने की, क्या एमएस ऑफिस में और दीगर जो उनसे हमने सॉफ्टवेयर हैं उनमें सिलेक्शन होती है कि लेफ़्ट क्लिक करके, यानी लेफ्ट बटन जो उनसे है माउस का दबाई रखें और साथ ड्रैग करें तो हो जाएगा. लेकिन अगर आप ये ऑटोकैड में करेंगे तो कुछ ऐसे वो करेगा. ये देखें कितनी बुरे तरीके से उसने की है, कुछ रह भी गई हैं जगहें. तो ऐसे नहीं, इसके अंदर सिलेक्शन करने का तरीका ये है, आप एक दफ़ा क्लिक करें माउस से, सिर्फ एक क्लिक करना है, आपने दबाई नहीं रखना बटन को, लेफ्ट क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे एक निशान बन जाएगा. अब आपने माउस को ड्रैग करना है और ऑब्जेक्ट पर लेके आना. जब आपको लगे कि आप उस ऑब्जेक्ट पर पूरी तरह आपके माउस ने कब्जा कर लिया है, यानी जो आपने सेलेक्ट करना है ऑब्जेक्ट, उसके बाद देन अगेन लेफ्ट बटन दबा दें माउस का. ये नहीं, ये सारा सेलेक्ट हो गया. ये जो उनसे हमारे आ गया है ये क्विक प्रॉपर्टीज़ की वजह से आया, उसने वैसे फॉरन प्रॉपर्टीज़ दे दी है, भाई इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं. ठीक है, अब इसके अलावा ऑटोकैड के अंदर दो किस्म की सिलेक्शन होती हैं. एक सिलेक्शन होती है लेफ्ट सिलेक्शन, एक होती है राइट सिलेक्शन. जो मैंने अभी आपको करके दिखाई है वो है लेफ्ट सिलेक्शन, और मैं अब आपको राइट सिलेक्शन के बारे में सिखाता हूँ. अगर आप ऑब्जेक्ट के लेफ्ट राइट साइड से उसे लेफ्ट साइड की तरफ लेकर जाएंगे, जैसे मेरा माउस यहाँ पे था यहाँ जा रहा है, उसकी लेफ्ट साइड पर जा रहा है, तो ये लेफ्ट सिलेक्शन है. वैसे ही आप ऑब्जेक्ट के राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे, ये ऑब्जेक्ट की ये देखें इस तरफ जा रहा है, तो ये राइट सिलेक्शन है. जैसे मैं लेफ्ट सिलेक्शन आपको करके दिखाता हूँ, ये क्लिक, ये मैं इस तरफ जा रहा हूँ, ये है लेफ्ट सिलेक्शन. ठीक है, जबकि यहाँ पे क्लिक, ये क्या, ये है राइट सिलेक्शन. राइट सिलेक्शन का कलर ब्लू है जबकि लेफ्ट सिलेक्शन का कलर ग्रीन है. तो इससे आपने घबराना नहीं है, बाज़ अवकात हमें ज़रूरत पड़ती है, कभी वहाँ से करते हैं कभी वहाँ से करते हैं सिलेक्शन, तो घबराना नहीं है जी कि इसका कलर चेंज हो गया तो ये ले जी ये गलत सिलेक्शन हो रही है, सिलेक्शन सही कर रहा है. ठीक है, ओवरऑल अब मैं इसे क्लोज करता हूँ. अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं. जो मेरा टॉपिक है आपको सिखाना कि लाइन को मेजरमेंट कैसे लगाते हैं, मगर उससे पहले हम एक दफ़ा रिव्यू ना कर लें जो हमने पीछे यूनिट सेट किए थे अपने. तो यूनिट सेट करने के लिए वही हम दूसरा तरीका अपनाएंगे, लेकिन मैं अब आपको शॉर्टकट की से करवाऊंगा हर काम, क्योंकि हमने आगे स्पीडी काम करना है और प्रोफेशनल हमेशा शॉर्टकट की यूज़ करते हैं. तो यूएन यूनिट्स के लिए, जो कि फॉर्मेट यूनिट से निकला था, यहाँ से हम चेक कर लेते हैं, इसने हमारा फिर से वो वापस कर दिया. हम इसे सेट कर लेते हैं अपने यूनिट्स को, आर्किटेक्चरल इस सबसे ऊपर वाला पॉइंट, ये मैंने पिछली क्लास में आपको सिखाया हुआ है. एंटर, ये अब हमारा हो चुका है सेट. ठीक है, अब हमारे यूनिट सब कुछ सेट है. अब हम लाइन कमांड एल एंटर करते हैं, फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करते हैं. फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई हो गया. अब ये जो नीचे देखें, ये जो उनसे कमांड लाइन है, कमांड लाइन पर क्लिक करें, अपनी लाइन की जो उनसी है मेजरमेंट दें. मैं दे रहा हूँ 3 इंच की लाइन लगाना चाहता हूँ, 3 फीट 2 इंच. ये देखें ये लगा रहा हूँ और मैं इसे एंटर कर देता हूँ, 3 फीट 2 इंच. ये मैंने देखा ना, मुझसे गलती होगी, मैंने 3 फीट लिखा, आगे 2 फीट ही लिख दिया सिर्फ सिंबल की वजह से. अब मैंने डबल कोट्स नहीं लगाए, मैंने सिंगल कोट लगा दिया 2 पर भी. तो ये आपने ध्यान रखना है. अब एंटर करें, ये देखें इसने
कमांड को मैंने कैंसिल कर दिया, इसने ये क्या किया है, इसे 3 इंच, ये देखें यहाँ पे 3 फीट 2 इंच की लाइन मुझे लगा दी है, ठीक है। अब आपको एक और चीज़ मैंने सिखानी है यहाँ पर कि एरिया जो सा देखें, अगर आपका जो सा ऑब्जेक्ट है ये देखो, जैसे ये बाहर निकला है हमारी स्क्रीन से, हम चाहते हैं कि हमारी स्क्रीन के अंदर आ जाए, ये बहुत ज़्यादा ही बाहर निकल गया, या आपके पास 10-15 ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपकी स्क्रीन से बाहर निकल चुके हैं, अब आप चाहते हैं वो सारे स्क्रीन के अंदर आ जाएं, तो अब क्या करें, तो उसके लिए कमांड क्या है, आपने जी प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से, फिर एंटर प्रेस करना है, फिर ए प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है, फिर एंटर प्रेस करना है। ये देखें ये स्क्रीन के अंडर आ गई है, ये देखें ये फर्स्ट पॉइंट, ये मिड, ये लास्ट पॉइंट, ये आ गया ना स्क्रीन के अंडर। तो ये स्क्रीन के अंडर लाने के लिए जो सा हम काम करते हैं वो ये है, इसे आपने अच्छी तरह ज़ेहन नशीन कर लेना है कि हमने क्या किया, क्या करना है, जी एंटर ए एंटर। ये क्यों, हम जैसे कि फोटोशॉप के अंदर हमारी जब इमेज हम पूरी तरह बाहर ले जाएँ, ये बहुत ज़्यादा छोटी हो जाए, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग टूल लेकर लेफ़्ट क्लिक करते हैं और उससे कहते हैं फिट स्क्रीन, तो स्क्रीन फिट हो जाती है, या हम इलस्ट्रेटर में शिफ्ट 0 दबाते हैं इस काम के लिए कि हमारी स्क्रीन जो हमारी क्लिप बोर्ड है वो स्क्रीन के बराबर हो जाए। तो ऐसे हम ऑटोकैड के अंदर हम जी एंटर ए एंटर दबाते हैं ताकि ये हमारे जो उनसे क्लिप बोर्ड के बराबर हो जाए, ठीक है। और ये कैसे कमांड, ये देखें अगर आपके ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ही छोटा हो गया है आपकी स्क्रीन से, बहुत ज़्यादा छोटा है आपके, आपको नज़र नहीं आ रहा, या फिर ये बहुत ज़्यादा बड़ा, तो इसलिए ये कमांड यूज़ होता है। जैसे मैं आपको मैग्नीफाइन यानी कि ग्लास यूज़ करके जूम का कमांड यूज़ करके चेक करके दिखाता हूँ। देखें मैं ये लाइन को बड़ा कर रहा हूँ, देखें ये लाइन मैंने बड़ी कर दी है, पेन टूल से इसे अपने पास ले आते हैं, देखें ये बहुत बड़ी हो गई लाइन, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो उनकी लाइन है ये देखें कितनी बड़ी हो गई है, इसे मैं अपनी स्क्रीन के हिसाब से लेके आना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, जी एंटर ए एंटर, ये ले मेरी स्क्रीन के बराबर आ गया। अब इसी के बरक्स इसे मैं बहुत छोटा कर देता हूँ, आपको दिखाया तो मैंने कि जूम को छोटा कैसे करते हैं, ये ले मैंने छोटी कर दी, ये लें इतनी छोटी हो गई है, अब मैं तंग आ गया हूँ कि मुझे नज़र नहीं आ रहा, इसके लिए मैं क्या करूँगा, जी एंटर ए एंटर, ये देखें ये बिल्कुल उसकी पोजीशन पे लेके आ गया। ये कमांड आप नोट कर लिया करें और अच्छी तरह समझ लिया करें, ठीक हो गया। अब हम अपने अगले का सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन पहले एक और चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ कि लेंथ, क्योंकि आपने अगर डायनामिक इनपुट ऑन किया हुआ है, जो मैंने आपको पिछली दफ़ा सिखाया था प्रिसीजन टूल्स के लेसन के अंदर, सेकंड लेसन ही हमारा, ठीक है, तो उसके अंदर मैंने आपको सिखाया था ये प्रीवियस में कि डायनामिक जो था इनपुट है वो ऑन कैसे करते हैं। अगर आपका डायनामिक इनपुट ऑन है, यहाँ से ये देखें ये डायनामिक इनपुट ऑन है आपका, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कमांड लाइन पे जाकर प्रेस करें और फिर बाद में लिखें और आपकी लाइन ऐसे टेढ़ी बन जाए और आपका नुकसान हो। इसके लिए क्या है, लाइन कमांड लें, देखें यहाँ से मैंने अपना एंटर, मैंने यहाँ से अपना पहला स्पेसिफाई करना है, ये मैंने पहला पॉइंट स्पेसिफाई कर दिया, भाई मैंने सीधी लाइन लगानी है, मैंने टेढ़ी नहीं लगानी, तो मैं नीचे जाऊँगा टेढ़ी लग जाएगी, तो उसके लिए क्या करना है, डायनामिक इनपुट ऑन है, यहाँ कीबोर्ड से डायरेक्ट लिख दो 5। ये देखें मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये देखें ये डब्बा देखें, इस डब्बे पे वो लिख रहा है, तो ये इंचेस लिख रहा है, 5 फीट मैं लिखता हूँ, उसके बाद फिर 6 इंचेस की मैं लाइन लगाना चाहता हूँ, एंटर करता हूँ, ये ले मेरी लाइन लग गई, ठीक है। अब ये मेरे से नेक्स्ट पॉइंट मांग रहा है, वो तो आपको पता है कि लाइन कमांड के अंदर नेक्स्ट पॉइंट होता है, तो मैं इसे कैंसिल कर दूंगा कि भाई मुझे नेक्स्ट पॉइंट नहीं चाहिए, ठीक है। वो अब ये फिर से मेरी स्क्रीन से बैठ चला गया, तो हम वही दोबारा यूज़ करेंगे जी एंटर ए एंटर, ये जी मेरी स्क्रीन के बराबर में आ गए हैं दोनों, ठीक हो गया। ये मुझे लगता है कि आपको अब समझ आ रही है अच्छी तरह, ठीक है। मैंने आपको दो तरीके बता दिए कि ये जो मैंने अभी लगाया है डायनामिक इनपुट के थ्रू, वो प्रोफेशनल्स लगाते हैं कि भाई टाइम अपना वेस्ट नहीं करते, अपनी डायरेक्शन ख़राब नहीं करते, जबकि जो पहले लगाई है वो मैंने आपको सिखाई है कि हमारे पास दो वेज होनी चाहिए, ये ना हो कि हम एक ही वे से लगे रहें, ठीक है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब आगे हम बढ़ते हैं कि जो ये देखें ये जो माउस है, यानी कि जो यहाँ पे हमारा वर्क करने के लिए जो इसने हमें माउस पॉइंटर प्रोवाइड किया है, इसके जो क्रॉस हैं, क्रॉस बोस यानी लाइंस, इसकी क्रॉस लाइंस जो होती हैं उन्हें बड़ा कैसे करते हैं, छोटा कैसे करते हैं, इसके दरमियान में जो उनका पिक बॉक्स है यानी जो स्क्वायर सा बना हुआ है, इसे बड़ा छोटा कैसे करते हैं, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ, बाज़ औक़ात ये आप कहीं काम कर रहे होते हैं कहीं दूसरी जगह, वो बहुत बड़ा हुआ होता है या बहुत छोटा हुआ होता है, तो उसे आप अपने हिसाब से कैसे डाल सकते हैं। दूसरी चीज़ ये, बाज़ औक़ात कोई मेल फंक्शन आ जाता है जिसकी वजह से ये बड़े हो जाते हैं छोटा हो जाता है, तो उसे आप अपने हिसाब से कैसे डाल सकते हैं, या बाज़ औक़ात आपको ये बहुत अजीब लग रहा है, कहते हैं थोड़ा बड़ा हो जाए, हमें ज़रा क्लीननेस आई है, थोड़ा छोटा हो जाए, ये बहुत ज़्यादा मुझे तंग कर रहा है, तो उसके काम आएगा, ठीक है। तो उसके लिए हमने ये क्या करना है, आपको याद हो कि हमने पिछली दफ़ा मेजोरिटी ऑप्शन कमांड सीखा था ओ पी के साथ, जो हमने यहाँ पर भी यहाँ से भी निकाला था और ये माउस से भी निकाला था, लेफ्ट क्लिक लेफ्ट बटन से भी निकाला था ये ऑप्शन वाला कमांड,
ठीक है। सो अब हम यहाँ से निकालते कहते हैं ओ पी। मैंने फिर आपको कहा कि मैं हमेशा यूज़ करूँगा शॉर्टकट्स जो प्रोफेशनल्स करते हैं ताकि आपको आदत पड़े। ओ पी एंटर, ये अब आ चुका है हमारा। अब हम डिस्प्ले के टैब करना, ये हमें पहले डिस्प्ले के टैब में लेके आया हुआ है, ये पे है। यहाँ पे आप ये ढूंढ सकते हैं कि ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है क्रॉस हेयर साइज, क्रॉस हेयर साइज यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे आप इसका साइज चेंज करें, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे बड़ा होता है। तो मैं 5 का 50 कर देता हूँ, ठीक है। ये 50 करके ले जी मैंने ओके कर दिया, ठीक है। ये देखें मेरा क्रॉस वो कितना बड़ा हो गया है, देखें आपको नज़र ही आ रहा होगा, अल्लाह अकबर कितना बड़ा हो गया। अब मगर मैं चाहता हूँ कि नॉर्मल पोजीशन पर रहें, इतना बड़ा मुझे पसंद नहीं आया। तो ओ पी एंटर, इसे दोबारा मैं 5 कर देता हूँ, अप्लाई, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर जो उनका पिक बॉक्स है जिसके जो सेलेक्ट करता है ऑब्जेक्ट्स को, उसे बड़ा छोटा कैसे करें हम, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर ही ये देखें। पहले मैं आपको दिखा दूँ कि वो छोटा हो गया है, अप्लाई ओके, ये देखें भाई बराबर हो चुका है। अब फिर से हम ऑप्शंस कमांड में जाते हैं, यहाँ पे आप सिलेक्शन में जाएंगे, ये देखें ये टैब फाइल्स डिस्प्ले से आगे जाते जाएंगे, ये 3D मॉडलिंग के साथ ही सिलेक्शन वाला टैब है, इस पर क्लिक करेंगे आप। पहला ही ऑप्शन है जी पिक बॉक्स साइज़, ये देखें पिक बॉक्स साइज़, यहाँ पे करेंगे आप इसे बड़ा छोटा। मैं तो भी कीबोर्ड के एरो की सर्च करूँगा ताकि याद रहे। ये देखें मैंने पिक बॉक्स इतना बना बड़ा कर दिया, इसे मैं अप्लाई करता हूँ एंटर। अब आप क्योंकि देख सकते हैं कि पिक बॉक्स अब बड़ा हो चुका है, और जबकि जो उनसी हैं क्रॉस एरोस हेयर एरोस वो लाइंस छोटी हो चुकी हैं। तो देखें आप जहाँ बड़े चले, ये क्लिक हो गया जी, ये ले ये भी सिलेक्ट हो गया जी, ये लें कैंसिल, मैंने कैंसिल कर दिया। मगर मैं भाई इसको इसकी फाइनल पोजीशन में लेके आना चाहूँगा, ठीक है। यहाँ पे ये जी मेरी ये फाइनली वापस अपनी पोजीशन पे आ गया जो इसने स्टैंडर्ड पोजीशन मुझे दी है, ठीक है। ये मैंने आपको सिखा दिया क्योंकि बाद का तो मसला होता है। तो जो कि आप आज देख सकते हैं, आज हमने सीखा है कि लाइन को मेजरमेंट के साथ, एक मिनट आपको एक और चीज़ सिखा दें कि जो मेजरमेंट है ना उसके सिंबल्स आपको कीबोर्ड पे कहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ऑन स्क्रीन कीबोर्ड लेके आता हूँ, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, ये जी ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आ गया। यहाँ पे हम लाइन कमांड यूज़ करते हैं, एल एंटर, ठीक है। ये मैंने पहला पॉइंट स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कैसे इसे दूंगा, ये देखें मैं चाहता हूँ कि ये मेरी लाइन लगे जी 2 इंच की, 2 फीट की, ये देखें एंटर के साथ ही ये आपको एक और बटन नज़र आएगा, ये स्टैंडर्ड कीबोर्ड है, ठीक है। एंटर के साथ ही आपको एक और की नज़र आएगी, ठीक है, जिसके ऊपर नीचे बने नीचे ये सिंबल होगा, उसके ऊपर डबल कोड का सिंबल होगा। ये दर हकीकत सिंगल कोड और डबल कोड है, ठीक है। तो मैं सिंगल कोड के लिए फीट होता है, डबल कोड से इंच होता है, ठीक है। ये मैं क्लिक कर दिया, ये हो गया जी 3 इंच। अब मैं चाहता हूँ आगे आपको 3 फीट हो गया, सॉरी ये खाली ही लगा ना कोड, सिंगल कोड फीट के लिए, डबल कोड इंच के लिए। सब आगे मैं कह रहा हूँ यार 3 फीट 4 इंच करना है, 4 यहाँ से लिया। अब हमने यही बटन हमें करेगा कैसे, शिफ्ट का बटन दबाना है आपने, शिफ्ट का बटन दबाई रखना है साथ। ये देखें ये कीबोर्ड से शो कर रहा है कि आपकी उंगली शिफ्ट के ऊपर ही है, आपने हटाई नहीं है यहाँ से, ठीक है। उंगली शिफ्ट के ऊपर होते साथ ही आपने इस बटन के ऊपर क्लिक करना है, ये देखें यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा इंच का, ये इंच पे क्लिक कर देना है। तो ये आ गया, ओह सॉरी डबल कोट्स हैं, तो ये इंच कहलाते हैं यहाँ पे। अब हम डायरेक्ट एंटर कर देंगे, लें जी मेरी हमारी बन गई लाइन। इसको फिलहाल के लिए हम स्केप करते हैं, ये एंटर का बटन दबाते हैं कि हमारा कमांड एंड हो। ये लें जी हमारी लग गई लाइन, ये देखें 3 इंच 3 फीट 4 इंच की। सो आज के लेसन में हमने सीखा कि मेजरमेंट के साथ लाइन कैसे लगाई जा सकती है, हमने सीखा सिलेक्शन कैसे करते हैं, हमने सीखा कि हमारी जो उनसा ये क्रॉस हेयर लाइंस जो सी उन्हें बड़ा छोटा कैसे करते हैं, हमने सीखा पिक बॉक्स को बड़ा छोटा कैसे करते हैं, और हमने यहाँ पे सीखा कुछ इंटरफेस। सो अगले लेसन में हम इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ सीखेंगे, हम इससे अगले लेसन में प्रॉपर्टी सीखेंगे लाइन की, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं किसी भी इंजीनियर के लिए या ऑटोकैड ऑपरेटर के लिए। सो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।